ये गॉडजिला माइनस वन क्या है, क्यों है, किस लिए है? क्या ये मॉन्स्टरवर्स वाले गॉडजिला का सोतेला भाई है या फिर गॉडजिला का प्रिक्वेल है? वो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग द न्यू एम्पायर का कुछ आता पता नहीं, फिर अचानक से ये माइनस वन वाला गॉडजिला कहाँ से आ गया? गॉडजिला माइनस वन का ट्रेलर देख के ऐसे कई सारे सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना, मैं बताऊंगा आपको कि सारा सीन क्या है। तो वीडियो बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना, सारा मामला समझ में आ जाएगा। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा 90s में। चल 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 चल। ए गाड़ी स्टार्ट कर। 1954 में सबसे पहली गॉडजिला मूवी आई थी जिसका नाम भी गॉडजिला ही था ऑब्वियसली, जिसको बनाया था तोहो एंटरटेनमेंट कंपनी। ये कंपनी जापान से बिलोंग करती है। आज तक गॉडजिला की टोटल 38 मूवीज आ चुकी है। कब आई, कैसे आई, अभी तक तो मुझे भी पता नहीं था। मूवी की लिस्ट आपके सामने है, पॉज करके देख लेना। इसमें से 33 मूवीज तोहो एंटरटेनमेंट कंपनी ने बनाई है, इंक्लूडिंग दिस गॉडजिला माइनस वन मूवी। एक मूवी ट्राइस्टार कंपनी ने बनाई है और फिर बाकी के बची 4 मूवीज लीजेंडरी पिक्चर्स ने बनाई है तोहो एंटरटेनमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके। उनमें सबसे पहली आती है 2014 की गॉडजिला, 2017 की कॉन्ग स्कल आइलैंड, 2019 की गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स, 2021 की गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग एंड अब पांचवी मूवी आने वाली है 2024 में गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग द न्यू एम्पायर। लेकिन लीजेंडरी पिक्चर्स का तोहो एंटरटेनमेंट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 2020 में खत्म हो चुका है, तो टेक्निकली देखा जाए तो वो गॉडजिला पे मूवीज नहीं बना सकते। लेकिन लीजेंडरी पिक्चर्स का मॉन्स्टर वर्स देखने के लिए पब्लिक पागल हो चुकी है, तो लीजेंडरी पिक्चर्स ने तोहे एंटरटेनमेंट के सामने हाथ पैर जोड़ के बड़ी मशक्कत करके गॉडजिला को अपने मूवीज में दिखाने के लिए तोहो को कन्विंस कर ही लिया। तो लीजेंडरी पिक्चर्स गॉडजिला को अपने मूवीज में यूज तो कर सकता है, लेकिन उसके राइट्स जो है वो तोहो एंटरटेनमेंट कंपनी के पास ही है। इन शॉर्ट, लीजेंडरी पिक्चर्स का गॉडजिला के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। आई होप यहाँ पे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि ये माइनस वन गॉडजिला एंड अपने मॉन्स्टरवर्स वाला गॉडजिला, इनमें कुछ कनेक्शन है भी या नहीं? तो इसका सीधा सीधा जवाब है, बिल्कुल नहीं। ये दोनों भी गॉडजिला अलग है। जापान वालों का अलग गॉडजिला है, उनकी अलग ही स्टोरी है, और अपने मॉन्स्टरवर्स वाला गॉडजिला अलग ही है, उसकी अलग स्टोरी है। दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो जिसको जो देखना है देख लो, मजे करो। तो अभी ये गॉडजिला माइनस वन की स्टोरी कहाँ पे प्लेस करती है? तोहो एंटरटेनमेंट कंपनी ने आज तक जितने भी गॉडजिला मूवीज बनाई है, ये गॉडजिला माइनस वन उन्हीं के यूनिवर्स का एक हिस्सा है। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि वर्ल्ड वॉर के बाद जापान की इकोनॉमिक स्टेट जीरो हो चुकी है। इस सिचुएशन से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका नसीब इतना खराब है कि ठीक वर्ल्ड वॉर के बाद और एक नया थ्रेट उनके सामने खड़ा हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ गॉडजिला, और ये गॉडजिला वहाँ पे डिस्ट्रक्शन करके जापान के इकोनॉमी को और भी अंदर ले जाता है, यानी माइनस में ले जाता है। इसी वजह से इस मूवी का नाम गॉडजिला माइनस वन रखा गया है। एंड दिस मूवी इज ऑल अबाउट कि जापान इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलता है, कैसे डील करता है। बस ये बात ध्यान में रखना कि मॉन्स्टर वर्स वाले गॉडजिला के साथ इस मूवी का कोई भी कनेक्शन नहीं है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड जाने से पहले मेरा नाम है ऋषिकेश, कीप वॉचिंग द आरके एक्सप्लेन।